पिछले कुछ दिनों से दिल्ली महिला आयोग स्पा रूपी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर रहा है। हम बहुत सारे स्पा में गए हैं और हमने जिन जिन स्पा में गए वहां पाया कि बहुत धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चल रहा है। नंगे आदमी हमें बंद कमरे में लड़कियों के साथ मिले। हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे कॉन्डम्स हैं। स्कूल की छात्राएं भी वहां पे हमें मिली और स्कूल के छात्र भी हमें वहां पे मिले। हमने काफी सारी FIR दर्ज कराई और ये FIR भी बहुत ज्यादा दिल्ली महिला आयोग ने जब प्रेशर करा तब जाके ये FIR दर्ज हुई है दिल्ली में। इतना हमने एक्शन करा, MCD के ऑफिसर्स को और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को हमने समन करा और उसकी जवाबदेही तय करी। उन्होंने ये माना कि बंद कमरों में जो लड़कियों द्वारा लड़कों की मसाज कराई जा रही है, कोई ID प्रूफ लड़कों का नहीं लिया जाता, CCTV कैमरा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पाए जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर वो सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। हमने उन्हें समय दिया था। इतने में हमें पता चला कि साउथ MCD की जो मेयर है उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने एडवाइजरी इश्यू करवाई साउथ MCD में कि अब क्रॉस जेंडर स्पा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लड़कों की मसाज लड़कों द्वारा होगी और लड़कियों की मसाज लड़कियों द्वारा होगी। उन्होंने कहा कि मसाज होने से पहले ID प्रूफ कलेक्ट करा जाएगा, CCTV कैमरा लगवा दिए जाएंगे, बालिक लोग ही यहाँ पे आ पाएंगे और भी उन्होंने कुछ एडवाइजरी इशू करी जो कि एक अच्छा कदम था। पहली बात तो सिर्फ साउथ MCD ने करी, नॉर्थ MCD और ईस्ट MCD सो रही है क्या? दूसरी बात, अभी ये हुआ ही था कि आज मीडिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अब साउथ MCD ये एडवाइजरी नहीं इश्यू कर रही। साउथ MCD ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक U-turn लिया है और खबर में ये साफ बताया जा रहा है कि दिल्ली की भाजपा के टॉप लीडरशिप का कॉल साउथ MCD के मेयर को गया है कि नहीं ये मत करो, इसको बंद करो, क्योंकि जो दिल्ली की जो भाजपा की टॉप लीडरशिप है वो स्पा के ऊपर एक्शन से बहुत परेशान हो रही है। तो मैं दिल्ली की भाजपा की टॉप लीडरशिप से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि ये बताया जाए कि दिल्ली की भाजपा की टॉप लीडरशिप का कौन सा नेता है जिसको स्पा के ऊपर एक्शन में बड़ी खलबली मची हुई है, बड़ा उसको परेशानी हुई है, उस नेता का नाम देश के सामने रखा जाए। दूसरी बात मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, हमें ये बताया गया है, काफी अफसरों ने हमें बताया है कि पूरी दिल्ली के जो स्पा रैकेट है वो 10-12 लोग मिलकर चला रहे हैं, तो इन 10-12 लोगों में से कितने लोग भाजपा के नेता हैं ये बताया जाए। साथ में ये भी बताया जाए कि जितने भी स्पा चल रहे हैं दिल्ली में इनमें कितने भाजपा के नेता हैं जिनके स्पा चल रहे हैं, क्योंकि जब स्पा बंद हो रहे हैं तो इससे इनको क्या खलबली मच रही है। तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है। तीसरा, ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस और MCD के जो लोकल अफसर हैं उनकी मिली भगत के बिना इतना बड़ा सेक्स रैकेट स्पा रूपी पूरी दिल्ली में चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये हफ्ता लेते हैं, ये तो पता है, लेकिन क्या ये हफ्ता दिल्ली की भाजपा की लीडरशिप के पास भी जा रहा है? क्या ये हफ्ता दिल्ली के भाजपा के पार्टी फंड में भी जा रहा है? ये बात भी ये क्लियर करें, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि अगर स्पा रूपी सेक्स रैकेट के ऊपर एक्शन होता है तो दिल्ली की भाजपा को इतनी खलबली क्यों मचती है। चौथा, वो ये कहते हैं कि टूरिज्म खराब हो जाएगा। अरे, सेक्स का टूरिज्म से क्या लेना देना, सेक्स इंडस्ट्री का टूरिज्म से क्या लेना देना है, वो ये समझाए तो सही। यूरोप में भी मसाज होती है, टर्की में भी मसाज होती है, पर वहां पे जो मसाज होती है वो लड़के लड़के की करते हैं, लड़की लड़की की मसाज करती है, तो ये बैंकॉक दिल्ली को क्यों बना रहे हैं? क्यों एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं कि सेक्स इंडस्ट्री प्रमोट करो और उससे टूरिज्म प्रमोट करें? अरे, दिल्ली को साफ करो, दिल्ली को अच्छा बनाओ, दिल्ली को सुरक्षित करो, उससे टूरिज्म प्रमोट होगा। ये दिल्ली में छोटी बच्चियों लड़कियों द्वारा जिस्म फरोशी का धंधा कराना, इसको टूरिज्म कहते हो? ये बहुत ही गलत है और ये बंद होना चाहिए और ये इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेकार है और इन्हें इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। एक बात और सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पा के बड़े ओनर ने कॉल करिए टॉप BJP लीडरशिप और उनको बोला है कि वो बड़े नाराज हैं टॉप BJP लीडरशिप से और इसलिए टॉप BJP दिल्ली की लीडरशिप बड़ी नाराज है साउथ MCD की मेयर से। तो ये कौन से टॉप BJP लीडरशिप है जिनका इतना बड़ी साठगांठ है स्पा के साथ? स्पा ओनर कौन से बड़े स्पा ओनर है जो इनको इस तरीके
बात सामने आनी चाहिए। दूसरी बात, क्या ये भी स्पा जेल जाते हैं क्या, जो टॉप बीजेपी लीडरशिप है, जो ये परेशान हो रही है, क्या ये भी स्पा में जाते हैं? और कल कोई धमकी आई है इनको स्पा ओनर से कि हो सकता है कि अगर ये एक्शन कराएंगे स्पा के ऊपर तो कहीं इन्हीं की वीडियो लीक ना हो जाए? तो इसका भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से चिन्मयानंद, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, भाजपा के लीडर हैं, उनके नग्न अवस्था में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से नग्न अवस्था में वो अपनी पोती की उम्र की लड़कियों से मसाज कर रहा है। क्या इनके हिसाब से वो सही है? क्या ये बिल्कुल ठीक है? तभी जो टॉप बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप है वो इतनी परेशान हो रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली महिला आयोग इसको किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेगा जब तक मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। दिल्ली में छोटी बच्चियों और महिलाओं की जिस्म फरोशी का धंधा नहीं चलने देंगे, इसको तो हर हाल में बंद कराते रहेंगे। साथ ही मैं चेतावनी देना चाहती हूँ ऐसे सारे लोगों को जो कि जिस्म फरोशी के धंधों में इन्वॉल्व है या उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दिल्ली महिला आयोग इससे पूरी तरीके से खिलाफ है, और चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली को ना तो हम बैंकॉक बनने देंगे, और जो लोग दिल्ली को बैंकॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के टॉप लीडर, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली और आप किस बेस पे ये आरोप लगा रहे हैं? दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के पास कॉल आए हैं स्पा के, और उन्होंने साउथ एमसीडी की मेयर को कॉल करके बोला है कि इसके ऊपर स्पा झूठी सेक्स रैकेट पे जो आप एडवाइजरी इश्यू कर रहे हो ये मत करो, इसके ऊपर कोई एक्शन ना करो। ऐसा अखबार में आज फ्रंट पेज पे छपा है, बहुत बड़े लीडिंग अखबार में। इसके बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैम आज ही जो है साउथ एमसीडी ने 13 ऐसे स्पा सेंटर्स बंद किए, उन्होंने आज कार्रवाई की है पुलिस के साथ मिलकर, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये स्पा सेंटर बंद होने शुरू हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एक दिन कार्यवाही हो और फिर से वही चीज शुरू हो। तो गाइडलाइंस क्यों नहीं इशू करते? जो एडवाइजरी इशू हो रही थी उसको क्यों रोका जा रहा है? क्यों एडवाइजरी इशू नहीं होती? क्यों गाइडलाइंस इशू नहीं होती? क्यों लाइसेंसिंग मैकेनिज्म को ठीक नहीं करते? आज की स्थिति यह है कि जिसका मन आता है वो अपना ऑनलाइन लाइसेंस इशू करवा लेता है एमसीडी द्वारा, तो इस लाइसेंस प्रक्रिया को ठीक क्यों नहीं करते? और क्रॉस जेंडर मसाज कि लड़कों की मसाज सिर्फ लड़के करेंगे और लड़कियों की मसाज सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये रूल क्यों नहीं लागू करते? एक जगह पे जाकर आपने एक्शन करा, बहुत अच्छी बात है, करिए, ज्यादा करने की जरूरत है। इनफैक्ट हम तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली के सारे स्पा में इस तरीके से सेक्स रैकेट चल रहा है तो हर स्पा में कब जाओगे? आपने जब इस चीज की बात की कि साउथ दिल्ली की मेयर ने इसको कहा कि क्रॉस जेंडर स्पा जो है बंद करेंगे, कोई ऐसा वर्बल या आपको इस तरह का कुछ पहले कहा गया था या कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह के कोई प्रूफ दिए गए थे या सिर्फ आप अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर ये सारी चीजें? हमने एमसीडी के और पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को समन करा था 9 सितंबर को, वो यहाँ पे इस ऑफिस में आए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि वो बिल्कुल मानते हैं कि क्रॉस जेंडर स्पा जो है वो बंद होनी चाहिए, लड़कों की बंद कमरों में लड़कियों द्वारा मसाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड बताया है। और इसी के बेसिस पे जब हमने उनको बोला कि आप इस पे करवाइए, उन्होंने तुरंत जाकर एमसीडी साउथ एमसीडी में जाकर एडवाइजरी भी इशू करी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाजपा की टॉप दिल्ली की लीडरशिप को प्रॉब्लम क्या, वो स्पा रूपी सेक्स रैकेट के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसका एडवाइजरी को क्या वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, कुछ इस तरह की भी नोटिफिकेशन आई है क्या? अभी तो बताया जा रहा था कि एडवाइजरी इशू होगी, ये स्टेटमेंट आया था और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन इशू हुए थे साउथ एमसीडी के ऑफिसर्स को, लेकिन आज उन्हीं का वापस स्टेटमेंट आया कि नहीं अभी ये एडवाइजरी इशू नहीं होगी जिसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम है। एडवाइजरी भी इशू होनी चाहिए, गाइडलाइंस भी इशू होने चाहिए, और अगर किसी की इनके साथ धांधली है वो भी एक्सपोज होनी चाहिए। स्वाति जी, क्या दिल्ली की सरकार इस पर कुछ कर सकती है और इस बारे में क्या आपने इनसे भी कोई बातचीत की है? दिल्ली सरकार का इसमें रोल नहीं है क्योंकि एमसीडी का और पुलिस का रोल है। पुलिस का रोल है अंडर ITPA एक्ट कि अगर कहीं पे भी वैश्याल्य खुल रहे हैं तो पुलिस का रोल है कि उसको बंद कराए और उनके ऊपर FIR दर्ज करे। एमसीडी का रोल है कि वो लाइसेंस देती है, इसलिए एमसीडी और पुलिस से हम लोगों ने बातचीत करी। स्वाति जी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के बड़े, दिल्ली के बड़े नेता, वो कौन से बड़े नेता हैं जो
कर रहे हैं। मैं भी यही जानना चाहती हूँ क्योंकि हमें भी बस इतना ही बताया जा रहा है, आज हमने क्या सबने पढ़ा है कि किस तरीके से टॉप बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप को बड़ी खलबली मची है और उन्होंने डांट लगाई है एमसीडी साउथ एमसीडी मेयर को कि ये बंद करो। तो मैं भी यही मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो नेता कौन ऐसे नेता है दिल्ली की टॉप बीजेपी लीडरशिप में जो कि इस बार रूपी सेक्स रैकेट बंद नहीं होने देना चाहते, और अगर ऐसा नहीं है तो बंद कराइए। एमसीडी भी दिल्ली दिल्ली की एमसीडी भी और दिल्ली की पुलिस भी दोनों बीजेपी के अंडर आती है। ये जो स्पा रूपी सेक्स रैकेट है, एक एक स्पा में जाइए, विजिट कीजिए, बंद कराइए इस तरीके की गंदी अनहोनी हरकतें, और साथ में एक सिस्टम बनाइए, एक ऐसी प्रक्रिया सेटअप कीजिए कि आगे से कभी ऐसा ना हो सके। ये नहीं कि चार जगह पे गए और उसके बाद ये हो गया, हाँ जी इन्होंने 10 जगह पे एक्शन किया, 10 जगह पे एक्शन किया तो ठीक है, लेकिन जो वो हजारों जगह चल रही है वो तो आप ही की मिली भगत से चल रही है ना। कल आपने समन जारी किया था तीनों एमसीडी कमिश्नर को, कल मीटिंग होनी है सभी के साथ, आज आपके आरोप लगा रही है, अगला कदम क्या हुआ, क्या फिर एमसीडी के कमिश्नर्स को हमने समन करा है, पुलिस को भी हमने समन करा है। हम ये चाहते हैं कि स्पा रूपी सेक्स रैकेट दिल्ली में बंद हो, इनके ऊपर हम एक्शन चाहते हैं, लेकिन वो कार्य तो हम करेंगे, लेकिन अगर टॉप लीडरशिप ये कहेगी कि मत करो तो फिर बहुत मुश्किल होगी ये चीजें। इसी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये मत कीजिए, जो बच्चियां हैं इस बच्ची देश की बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर ऐसा ही है तो क्या आप अपनी बहन या बेटियों से बंद कमरों में लड़कों की मसाज करवाएंगे? जब आप नहीं करा सकते तो फिर कोई किसी की बहन और बेटी उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। जो प्रोसेस है उसको स्वाति जी पुलिस हर बार ये कहती है कि वहाँ पर कोई नाबालिग नहीं था, और आप बार बार ये कह रही है वहाँ पर स्कूली लड़के लड़कियाँ थे, और जब भी आपकी टीम जाती है वीडियो भी बनाती है, नहीं कोई आपने क्या कोई आपने ऐसा कोई वीडियो पुलिस को दिया, और अगर दिया तो उस पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की? क्योंकि तो सबसे बड़ी चीज है कि माइनर्स इसमें है या नहीं है। दो चीजें, एक तो ये कि वैश्याल्य देश में नहीं खोले जा सकते, हमारा देश का कानून ये कहता है, तो अगर कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है वो इलीगल है और पुलिस को उसके ऊपर FIR दर्ज करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है, जो कि अब दिल्ली महिला आयोग के प्रेशर के द्वारा होना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि माइनर है या नहीं है, तो जो पहला स्पा हमने जिसमें गए थे उसमें जैस्मिन नाम का स्पा था, वहाँ पे एक स्कूल की छात्रा जो स्कूल में जाती है वो इस कार्य में पाई गई, बंद कमरे में दो लड़कों के साथ पाई गई, और हम अकेले नहीं थे, पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस ने उस लड़की के स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड करे। जी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप बार बार कह रही है कि वैश्विक बंद होनी चाहिए, लेकिन जी बी रोड की हम लोग बात करते हैं, हमेशा से करते हैं, वहाँ पर सभी को मालूम है, इस तरह में आप स्पा पार्लर तो बंद करवा देंगे या इस तरह बंद भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है, लेकिन जी बी रोड में तो वैसे ही चलता है, उसके लिए क्या? मैं बिल्कुल मानती हूँ, जी बी रोड के ऊपर हम बहुत बार एक्शन करा चुके हैं, बहुत बार हम समन इशू कर चुके हैं, और जी बी रोड जब मैं महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी तो तीसरे दिन पे मैं जी बी रोड में पहुंची थी, क्योंकि हम चाहते हैं जी बी रोड पे एक्शन। पिछले 4 सालों में हजारों लड़कियों को जी बी रोड से हमने रेस्क्यू करा है, 200 मीटर पे पुलिस थाना है, आज तक एक भी रेस्क्यू दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं हुआ है, सारे रेस्क्यूज या तो दिल्ली महिला आयोग ने कराए या NGOs ने कराए। हम पुलिस को समन कर चुके हैं, हम MCD को समन कर चुके हैं, और जी बी रोड हम चाहते हैं पूरी तरीके से बंद हो, और ये तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि मेरे टेन्योर के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दिल्ली में जी बी रोड बंद हो। लेकिन दुख इस बात का है कि एक तो हम जी बी रोड की लड़ाई लड़ रहे थे, आज तो इन्होंने गली गली में घर घर में जी बी रोड खुलवा दी है, हर दूसरी जगह पे स्पा है, एक मॉल है जिसमें 35 स्पा है, दूसरा मॉल है जिसमें 25 स्पा है, अगर एक पूरी की पूरी सड़क है नवादा की जहाँ 50 स्पा है, हर घर पे हर दूसरे कदम पे स्पा है, ठेके के ऊपर स्पा है, ठेके के नीचे स्पा है, अरे चल क्या रहा है? तो ये जो एक हम तो अभी तक जीबी रोड को एक मान के चल रहे थे कि इसके ऊपर एक्शन कराना है, उसके ऊपर हमने इतना एक्शन भी करवाया, कितनी बार जान पे खेलकर लड़कियों को वहां से बाहर निकाला है, जबकि 200 मीटर पे पुलिस थाना हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है। लेकिन आज तो पूरी दिल्ली में उन्होंने स्पा रूपी सेक्स रैकेट्स होती है जिनके ऊपर भी हमारा एक्शन होगा, तो जीबी रोड पे तो बिल्कुल दिल्ली महिला आयोग सतर्क है और हम बिल्कुल एक्शन चाहते हैं, साथ में हम स्पा पे भी एक्शन चाहते हैं।